आप देख रहे हैं सियासत। हरियाणा के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक गोपाल कांडा को एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की मौत के मामले से बरी कर दिया गया है। 5 अगस्त 2012 को गीतिका शर्मा की मौत के बाद यह मामला मीडिया की सुर्खियां बना था। गोपाल कांडा को हरियाणा से बाहर भी लोग जानने लगे थे, लेकिन इन 11 सालों में उनकी राजनीतिक छवि पर कोई असर नहीं पड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश सियासत, जिसमें आज हम जानेंगे कि कैसे रेडियो रिपेयरिंग की दुकान चलाने से लेकर गोपाल कांडा ने बेहिसाब दौलत और राजनीतिक रसूख हासिल किया। गोपाल गोयल कांडा के राजनीतिक रसूख को इससे भी समझा जा सकता है कि कभी उन्होंने भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार बनाई थी, तो आज खट्टर सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 2019 में गोपाल कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से अपना अलग दल ही बना लिया था, जिसमें उनके भाई गोविंद कांडा भी पदाधिकारी है। गोपाल कांडा एक नेता से ज्यादा कारोबारी है, जो प्रॉपर्टी समेत कई बड़े धंधों में दखल रखते हैं। 1990 तक जुपिटर म्यूजिक होम नाम से एक छोटी सी रेडियो हैंडसेट रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले गोपाल कांडा का उभार नाटकीय रहा है। रेडियो रिपेयरिंग की दुकान के बाद सिरसा में ही एक जूतों का स्टोर खोला था। यह धंधा चल निकला तो फिर उन्होंने जूते बनाने की फैक्ट्री ही शुरू कर दी। इसी दौरान जब पैसा आया तो उनके रिश्ते कारोबारियों नेताओं से होते गए। कहा जाता है कि गोपाल कांडा ने रियल एस्टेट में भी जमकर पैसा कमाया और यहीं से वह अकूत संपत्ति के मालिक बने। गोपाल कांडा ने 2007 में उस वक्त सबको चौंका दिया जब MDLR एयरलाइन कंपनी शुरू करने का ऐलान किया। यह कंपनी उनके पिता मुरलीधर लखराम के नाम पर ही थी। गीतिका शर्मा इसी कंपनी में एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थी और फिर उसे बाद में डायरेक्टर तक का पद दे दिया गया था। महज 23 साल की लड़की को यह अहम जिम्मेदारी देने की भी काफी चर्चा हुई थी। हालांकि यह कंपनी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। गोपाल कांडा को लेकर चर्चा रही कि उनके हरियाणा काडर के एक IAS अधिकारी से अच्छे रिश्ते हैं, जिसके चलते उन्हें कारोबार बढ़ाने में मदद मिली। एक वक्त के बाद कांडा ने अपना बेस गुरुग्राम में बनाया और रियल एस्टेट सेक्टर में खूब पैसा कमाया। फिलहाल उनकी गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, जो गोवा में कैसीनो बिजनेस करती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सियासत की दुनिया से जुड़ी किसी अन्य खबर या कहानी के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सियासत।